भाई गाड़ी में बैठने के बाद ऐसी फील आती है कि आप कोई वीआईपी हो। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम हेमंत सिंह, ड्राइव वाइज रिव्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया के बिग डैडी एसयूवी स्कॉर्पियो क्लासिक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका फ्रंट लुक बहुत ही शानदार है और उसी के साथ ये नया मॉडल है। पहली बात तो अब हम बात करेंगे मेजर चेंजेस के बारे में जो क्लासिक इसमें करे गए हैं। तो पहला चेंज तो इसका ये लोगो है महिंद्रा का, जो कि काफ़ी सुपीरियर लगता है और कारों के लगे। और यहाँ पे इसकी पूरी ग्रिल चेंज करी गई है, क्रोम फिनिशिंग इसमें दी गई है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलोजन हेडलैम्प है और उसी के साथ यहाँ LED है जो कि, और आप देख सकते हैं इनके अलावा यहाँ आपके अलॉय व्हील्स में भी चेंज करेगा, जो काफ़ी एक स्पोर्ट लुक देते हैं इस कार को। वो है इसके 17 इंच अलॉय व्हील, जो कि बेस मॉडल में आपको नहीं देखने को मिलते, ये सिर्फ टॉप मॉडल में आपको देखने को मिलते हैं। एक इसका मेजर चेंजेस ये है कि जो पहले इंडिकेटर था वो या ORVM पे दिया जाता था, पर अब क्या करा इन्होंने ये इसमें फेंडर पे लगा दिया। क्योंकि ये बिग डैडी है तो हम पहले बात करेंगे इसकी पावर की। पावर में इसकी है 2200 cc का इंजन, 4 सिलेंडर और उसी के साथ 300 Nm टॉर्क और 130 BHP हॉर्स पावर ये देती है। और पावरफुल तो यही पिकअप में हर चीज़ में ये गाड़ी नेक्स्ट लेवल है। इतने पावरफुल इंजन के साथ भी ये गाड़ी 17-18 का माइलेज ऑन हाईवे और सिटी कहीं भी ये देती है। अब इसकी बात करें कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में, इसमें आपको मिलता है ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और उसी के साथ सेंटर लॉकिंग सिस्टम, और उसी में इसको 2 एयरबैग दिए गए हैं। और इसके स्पीडोमीटर में एक और फंक्शन दिया गया है बीप का, अगर ये 80 से ऊपर जाती है तो बीप बजते हैं और जब 120 से जाते हैं कंटिन्यूस बीप बजते हैं, वो कि ओवर स्पीडिंग के, कि आप ज़्यादा स्पीड में ना चलाएं गाड़ी। अब वही बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, आपको यहाँ पे 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाता है, जो कि काफ़ी है कहीं भी हिल एरिया में जाने के लिए या आप विलेज में जा रहे हो, टाउन में कहीं भी कैपेबल है कार हर चीज़ के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एंटेना है, रेडियो एंटेना, और यहाँ पे रूफ रेल्स हैं जो कि इसको लुक को और भी स्पोर्टी लुक बनाते हैं। एक और बेहतरीन यूनिक फीचर के हम बारे में बात करेंगे इसके स्कॉर्पियो में, तो ये फंक्शन फॉर्च्यूनर तक में नहीं दिया जाता। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये देखिए, आपको हाथ लगाने तक की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं इसका इंजन, क्या भाई साहब स्ट्रक्चर दे रखा है, क्या बॉडी फिनिशिंग है, नेक्स्ट लेवल। बंद करने की भी हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं कि दम लगाना पड़ेगा, ये देखिए। आइए बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे ब्लैक मैट फिनिशिंग दी गई है। डैशबोर्ड थोड़ा इसका स्पेशियस कम है और उसकी कोई कमी यहाँ पे लगती नहीं है हमें, क्योंकि स्पेस यहाँ पे काफ़ी दे रखी है। अगर आपका कोई छोटा मोटा सामान आप वो यहाँ रख सकते हैं, जैसे कि फ़ोन। यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको AC वेंट्स के क्लोज और ओपन करने का भी कंट्रोल मिलता है। उसी के साथ अब बात करें इसके स्टीयरिंग फीचर्स के बारे में, यहाँ पे आपको वॉल्यूम बटन मिल जाता है और म्यूट बटन मिल जाता है, कॉल के भी बटन मिल जाते हैं, और यहाँ पे आप इसके कोई भी मोड FM, USB या ब्लूटूथ मोड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वहीं पे एक और आपका एक बेहतरीन फंक्शन देखा जा सकता है, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिलता है आपको। तो क्रूज कंट्रोल काफ़ी अच्छा एक फंक्शन है, यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको लाइट का कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ से आप फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हैं, और ये यहाँ पे आपको ORVM कंट्रोल मिल जाते हैं, AC वेंट यहाँ पे भी आपको दिया जाता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पावर विंडो सारे दिए जाते हैं, चारों विंडो लॉक भी दिया जाता है। अब वही बात करें, यहाँ पे आपको इसका 7 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, इसमें काफ़ी सारे फंक्शन आपके, जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो प्ले है, नेविगेशन सिस्टम है, और भी काफ़ी ऐसे फंक्शन है इसके अंदर। पे आपको स्क्रीन के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाता है, और यहाँ पे आप इसको मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे से आप मोड चेंज कर सकते हैं कोई भी, और यहाँ से आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप फैन पावर और बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फैन पावर काफ़ी अच्छी है। उसी के साथ आपको स्टीयरिंग कंट्रोल में आपको एक और कंट्रोल मिल जाता है, टिल्ट का, इसमें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट अकॉर्डिंग, ये देख रहे हैं आप। यहाँ पे आपको सारे लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका एक ग्लव बॉक्स। तो भाई महिंद्रा वालों ने बहुत काम करा है। अब इसमें आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी केबिन में नॉइज, बिल्कुल इंजन नॉइज है ही नहीं। और यहाँ आप देख सकते हो सबसे पहला चेंज, गियर बिल्कुल भी शफल नहीं हो रहा, एकदम वाइब्रेट नहीं हो रहा बिल्कुल भी, एकदम नॉइज तो है ही नहीं। अब देखो मैं अगर AC की वेंट्स बढ़ाता हूँ तब आपको नॉइज थोड़ा सुनाई देगा, वरना नॉइस है ही नहीं। और यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं अगर एक्सेलरेट भी करता हूँ तो भी आपको नॉइस कम सुनाई देगा।
देख रहे हो बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है कार में। और अब उसी के साथ इसके म्यूजिक सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। अब मैं आपको आवाज सुनाने जा रहा हूँ। बेस भी काफी अच्छा दिया गया है, स्पीकर की क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी सीट्स काफी कंफर्टेबल है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है सीट्स के बगल में, दोनों ड्राइवर और को ड्राइवर साइड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको मैन्युअली कंट्रोल मिलता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं मिलता है। सीट्स में कंफर्ट काफी अच्छा है, थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक है। जैसा कि आप देख सकते हैं थाई सपोर्ट, मैं अच्छी तरीके से बैठा हूँ। और चलिए अब चलते हैं इसके लेग स्पेस की ओर, पीछे की तरफ बात करते हैं इसके लेग स्पेस की ओर। यहाँ पे इसका फुट रेस्ट दिया जाता है, अगर जिस गाड़ी की हाइट काफी है, अगर किसी को दिक्कत होती है वो यहाँ पे पैर रख के आराम से चढ़ सकता है। तो हम देख सकते हैं इसके पीछे की लेग स्पेस के बारे में। जैसा कि मेरी हाइट 6'2" है, पर हेडरूम भी काफी अच्छा दे रखा है आप देख सकते हो, और लेग स्पेस थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा है यहाँ देखिए। और लेग स्पेस हल्का सा कम है क्योंकि ये 7-सीटर है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट दिया जाता है इसका, तो गाड़ी में ओवरऑल व्यू भी काफी अच्छा है। पीछे बैठने के बाद भी एकदम क्लियर व्यू है। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं पीछे। आइए बात करते हैं इसके बैक लुक के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्कॉर्पियो की यहाँ पे बैजिंग मिलती है आपको, क्लासिक की और S11 की। और उसी के साथ यहाँ पे महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, और इसमें इसका डोर यहाँ से ओपन होता है। यहाँ पे इसकी जगह दी गई है एक रिवर्स कैमरा की, जो आपको बाहर से या कंपनी से लगवाना पड़ता है, बाकी पूरा इसका सिस्टम जॉइंट करके दिया जाता है। आइए बात करते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में। तो बूट स्पेस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलता है 460 लीटर का बूट स्पेस। एक और हिडन फीचर के बारे में हम स्कॉर्पियो के बारे में बात करेंगे। ये देखिए यहाँ से ये वहाँ ओपनर खुल जाता है, और जैसा कि आप सोच रहे होंगे ये फ्यूल टैंक के लिए नहीं है, ये दे रखा है DEF, आपके इंजन को और भी मोबिलिटी और कहीं भी ग्रीस वगैरह हो तो उसके लिए यहाँ पे फ्यूल डलता है अलग से। और दूसरी साइड हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक और मिल जाता है मैजिक फीचर, वो है कि फ्यूल ओपनर टैंक। यहाँ से भी आप अपने टैंक को ओपन कर सकते हैं। तो एक और बेहतरीन फंक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसके डीफॉगर मिलते हैं, अगर आपके यहाँ पे फॉग भी हो जाता है वो इजीली इसको क्लीन कर देगा। चलिए देखते हैं इसके पीछे के स्पेस के बारे में। यहाँ पे आपको आप इसको 7-सीटर भी बना सकते हैं दोनों सीट को करके, और आप इसको 5-सीटर भी बना सकते हैं, और आप इसको 2-सीटर भी बना सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसमें बैठने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी लगेज रखा हुआ है, फिर भी थोड़ा सा पीछे हेडरूम कम है, पर मेरी तो हाइट ज़्यादा है इस वजह से लग रहा होगा कम है। बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए सीट नहीं है खासकर। बंद करते हैं इसे, और यहीं पे आप इसका बिल्ड क्वालिटी भी देख सकते हो। ये देखिए हैवी आवाज़, एकदम वेट है गाड़ी, वेट इसका 1950 kg है। तो महिंद्रा वालों ने एक और अच्छा फंक्शन इसमें दे रखा है, जैसे कि आप ट्रैफिक में हो मान लो, तो अगर आप जैसे स्टॉप करते हो, इसको हैंड ब्रेक लगाते हो, और जैसे आप क्लच छोड़ते हो गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, और वही जैसे अगर ग्रीन लाइट होती है आप क्लच दबाते हो गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट। तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन दिया जो पहले में नहीं दिया जाता था। तो महिंद्रा वालों ने बहुत चीज़ें सोच समझ के गाड़ी में इंट्रोड्यूस करी है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के ओनर के। ये मेरे दोस्त हैं अमन चंदीला, ये इस गाड़ी के ओनर हैं, इन्होंने गाड़ी चलाई है, तो आप इनका रिव्यू लेते हैं क्या इनका एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी को लेके। तो भाई मैं 35,000 किलोमीटर चला चुका हूँ इस गाड़ी को, गाड़ी में कोई बॉडी रोल नहीं है जैसे पहली स्कॉर्पियो में था S11 में, ये बहुत अच्छी बात है। 35,000 चलाने के बाद भी गाड़ी में कोई ऐसी नॉइज नहीं है इंजन में जैसे आने लगती है 35-40 के करीब, तो गाड़ी बेस्ट है। तो धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।